माय चैनल। सो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर किया हुआ है। एंड यू नो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो आप इस लुक को फेस्टिव सीजन के लिए प्लस वेडिंग में आप इसको हल्दी फंक्शंस के लिए ट्राई कर सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा फेक का टोनर। काफ़ी अच्छा टोनर है ये एंड आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है। प्लस इसे अप्लाई करने के बाद से ना बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है आपके फेस पे, तो मैं इसको डैब डैब करके अच्छे से अप्लाई कर ले रही। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र और उसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है गुड वाइब्स का विटामिन ई नरिशिंग क्रीम। एंड ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, प्लस ये मॉइस्चराइज़र का ही वर्क करती है, काफ़ी लाइट वेट फार्मूला है इसका। एंड मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन में अप्लाई कर लूँगी और अभी आप देख सकते हो मेरी स्किन इसे अप्लाई करने के बाद से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो गई है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैंने किस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ किया हुआ है और ये ऑयली स्किन के लिए प्राइमर है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस प्राइमर को ट्राई कर सकते हो। तो बस मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे। सो प्राइमर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी 925 का फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और मैं इसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अभी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एनवाइबे का कंसीलर और ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, फुल कवरेज भी देता है। तो बस मुझे जो जो एरिया हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो, और ये भी बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का कॉम्पैक्ट और इससे मैं अच्छे से अपने पूरे फाउंडेशन और कंसीलर जो हमने अप्लाई किया था ना उसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इससे हमें एक मैट फिनिश भी मिलेगी। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड से ये ब्राउन शेड ले रही हूँ और इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसी पैलेट से ये ट्रांजिशन वाला शेड लिया हुआ है और इसे मैं कॉन्टोर करूँगी और अभी आप देख सकते हो कॉन्टोरिंग इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद मैंने इससे ये सेकंड ट्रांजिशन शेड लिया और इसको मैं अपनी ग्रीस लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन। उसके बाद मैंने SFR के पैलेट से रेड वाला शेड लिया हुआ, ये शेड थोड़ा सा सिमरी है और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर से मिडिल तक ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर कट क्रीज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने हाफ कट क्रीज की हुई है। इसके बाद मैं इसी पैलेट से येलो शेड लेके अच्छे से जो एरिया पे हमने लाइक कट क्रीज बनाई हुई है ना वहीं पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और बस मैं हल्का सा विंग क्रिएट करते हुए आईलाइनर को अप्लाई कर लूँगी। एंड गाइज, ये है मेरे आई का फाइनल लुक, आप देख सकते हो मैंने काजल भी अप्लाई कर लिया प्लस मैं फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई कर ली। उसके बाद मैं इससे ये कोरल वाला शेड लेके ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ब्लश लगाया है मैंने, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की हाईलाइटर वाली ये सिंगल पैलेट यूज़ कर रही हूँ और बस मैं इससे अच्छे से अपने चिक बोन्स को हाईलाइट कर लूँगी, प्लस हाईलाइटर को मैं अपने नोज पर भी अप्लाई करूँगी। एंड लास्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB की लिपस्टिक। तो बस हमारा मेकअप यहाँ पे हो चुका है एंड मेकअप को शेड करने के लिए मैं फेसिस कैनेडा का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ एंड बस इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल लुक एंड अभी आप देख सकते हो। इस लुक को आप फेस्टिव सीजन पे ट्राई कर सकते हो, प्लस हल्दी के लिए भी ये मेकअप लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अभी आप देख सकते हो मैंने इयररिंग्स वगैरह डाली हैं, प्लस मैंने बैंगल्स भी डाली हैं। सो आपको ये लुक कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
गाइस कैसी लगी वीडियो और अगर ये लुक पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।